तो आज मैं ये आउटफिट पहनने वाली हूँ, अभी ये पहनकर आपसे मिलती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। बीच में मैं बिल्कुल ही छोड़ दी थी, मैं एकदम ही वैसे जोन में थी कि मुझे बस आराम करना है, मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं बिल्कुल व्लॉग कुछ कहीं बाहर जा भी नहीं रही थी ऐसा जो व्लॉग भी शूट करती। तो फिर आज फाइनली मैं जा रही हूँ टीम आउटिंग पे, मतलब हम लोग गर्ल्स आउटिंग पे जा रहे हैं। तो आज फाइनली मुझे ईया जाने का मौका मिला। मैं इतने दिनों से प्लान कर रही थी ना अपनी रूममेट के साथ जाने का, कभी भी नहीं बन पा रहा था ईया का प्लान। आज फाइनली हम लोग ईया जा रहे हैं, तो अभी मैं बस निकलूंगी। मैं अभी आपको अपना फुल लुक दिखाऊंगी। मैंने ये क्यूट सा कोट सेट पहना है और बस अब मैं जल्दी से निकलूंगी। मैं लेट हो रही हूँ, बाकी सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं बाहर में, तो मैं आपसे वहाँ जाकर मिलती हूँ। नहीं, अभी मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ, रुको। तो ये मेरा फुल लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मैं बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा रूम गंदा हुआ पड़ा है। मैं आज आकर ना सबसे पहले अपना रूम क्लीन करूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। खैर, आप बताना मेरा लुक कैसा लगा आपको, एंड अब मैं बस निकल रही हूँ। बाय। मैंने भी जल्दी जल्दी नेल पॉलिश लगाया है पर ख़राब भी हो गया। मुझे वाइट कलर लगाना था बट मिला ही नहीं वाइट वाला। मैं भी थोड़ी दूर चल कर जाऊँगी, फिर वहाँ से वो लोग मुझे सब पिक कर लेंगे। फाइनली मैं ये जा रही हूँ, पता नहीं बुकिंग तो किया है मैंने बट पता नहीं रूम सीट मिलेगा या नहीं। वहाँ तो ये भी दिक्कत रहता है। वैसे तो हम लोग लंच में जा रहे हैं तो मिल जाना चाहिए, खाली रहता है इस टाइम तो। देखते हैं। बाल बांध लिया है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, वहाँ जाके ओपन कर लो। तो हम लोग पहुँच गए हैं या अब हम लोग अंदर जाते हैं। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। उसका वॉशरूम भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देखो। ये तो ऑफिस से डायरेक्टली आए हैं बैग लेकर। ये आ गया हमारा ड्रिंक, ये है कुछ स्ट्रॉबेरी, पता नहीं ये मेरा है, ये है समथिंग ऑरेंज, आई डोंट नो, ये फ्रूट पंच है। हाँ, दिस इज गिया कूल, दिस इज समथिंग स्ट्रॉबेरी लाइम इन्फ्यूज्ड सम पाइनएप्पल जूस, और ये है चिकन विंग्स, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं किया है। और ये है ये लोग सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। ये आ गया वेज नाचोस। चीयर्स। चिकन विंग्स। ये आ गया फाइव चीज पिज्जा। ये आ गया चिकन बाओ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बाओ, मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे नॉर्मल बाओ होता है, बट ये तो डिफरेंट ही निकला, सुंदर लग रहा है। दिस इज फिश फिंगर्स, नाइस। ये मशरूम बाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्यूट सा मशरूम के शेप में भी बनाया है। ये चिकन बाओ, आउटर पार्ट मेड ऑफ लाइक
लाइक बाउ समथिंग डिफरेंट टेस्ट में मेरे लिए. Magnolia bakery dress, this is best. Quantity was good to bake. This is very small. स्टाफ हम लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट्री ब्राउनी विद आइसक्रीम दिए. हाउ इज इट? फार टीम हैड कम इट विल बी फाइन. या तो हम लोग एग्जिट ले रहे हैं. ओके, हमारा खाना पीना बहुत ज़्यादा यमी था. एम्बियंस आप देखने देखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. यहाँ पे जैसे शॉप्स लगा के रखे हैं. हम लोग ऑटो बुक कर लिए. ऑटो वाले भैया आने वाले हैं, फिर हम लोग निकले गए. है ना, अच्छा था. मैंने सुना था ये का खाना इतना अच्छा होता नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा खाना भी. एंड एम्बियंस तो ब्यूटीफुल था ही. मतलब उसका दिन वाला व्यू अलग ही सुंदर रहता है, रात वाला भी सुंदर रहता है. बट मैंने रात वाला तो नहीं देखा, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ. फाइनली मैं आ गई इतने दिनों से प्लान करने के बाद. अच्छा था सब कुछ, मज़ा आया. एंड तो बहुत ज़्यादा भूखे भी थे तो खाना आया, हम लोग बस खाने पर डूब रहे थे. देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल लगते हैं ये बाहर से. यहाँ पर ना छोटे छोटे से शॉप्स खोल के रखे हैं, फ्ली मार्केट टाइप. पता नहीं क्या, मैंने तो नहीं देखा इसको. देखो बाहर से भी तो सुंदर है. यहाँ पे ना अपार्टमेंट्स बन रहे हैं. जो भी आ रहेंगे उन लोगों को कितना अच्छा रहेगा ना, डेली इतना सुंदर व्यू देखने को मिल जाएगा. और आज फ्राइडे है, फिर भी देखो पूरा फुल कार्स पर लगे हुए हैं. जब हम लोग आए थे तब तो पूरा ही फुल था, अभी फिर भी खाली हुआ है. यहाँ नॉर्मल डेज पर भी बहुत ज़्यादा ही रश रहता है. ऑटो वाले भैया आ गए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, तो हम लोग बस जाते हैं. और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँगी उसके एरिया ऐसे ही घूमूँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी वापस अपने बीच. तभी हम लोग जा रहे हैं कैरेट लेन, मेरी फ्रेंड को कुछ खरीदना है. तो अभी हम लोग आ गए हैं कैरेट लेन क्योंकि मेरी फ्रेंड को कुछ लेना था. आई डोंट नो, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर देती हूँ. तो मुझे कॉटन सा क्यूट सा ड्रेस पसंद आया है, जो थोड़ा ढीला लग रहा है. वैसे ये लूज पैटर्न ही है, बट फिर भी. तो मैंने एक ये ड्रेस पसंद किया, मुझे बहुत क्यूट लगा. ये एक शर्ट है एंड एक स्कर्ट, मैं ये भी खरीद रही हूँ. तो मैंने शॉपिंग भी कर ली वेबसाइट से और अब मैं निकल रही हूँ अपने पीजे के लिए. ट्रैफिक ही है हर जगह, इतना पास में मुझे जाना है और इतना टाइम लग रहा है. पहुँच गई पीजे. प्लान नहीं था अपनी फ्रेंड के साथ कैरेट लेन ये सब जाने का, बट क्या हुआ उधर से लौट ही रहे थे तो मेरी फ्रेंड को जाना ही था कैरेट लेन. तो उसने बोला कि चलो तुम भी चलो मेरे साथ, तो फिर मैं चली गई उसके साथ. तो वहां पर मैं कैरेट लेन गई, फिर उधर से ही वेस्ट साइड पास में था तो मैं वेस्ट साइड जाकर के अपने लिए शॉपिंग कर ली.
एंड ईआर बहुत ज्यादा सुंदर है, अगर आप लोग अभी तक नहीं गए हो तो जरूर जाना। मैंने सुना था वहाँ का खाना ये सब अच्छा नहीं होता है, बस एम्बियंस सुंदर है, बट खाना भी बहुत ज्यादा यमी था, मतलब सब कुछ यमी था, बस वो बाव अच्छा नहीं लगा था, चिकन बाव जो था वो बहुत बेकार था, अजीब सा ही टेस्ट था, बाकी खाना अच्छा था, बहुत ज्यादा यमी था एंड एम्बियंस सब ब्यूटीफुल है ही, तो आप लोग जरूर जाना एक बार। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जा रही हूँ अब कपड़े वपड़े धोने, बहुत काम है आज मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, पूरे दिन बाहर भटक रही थी। तो बस मैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ एंड आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग एंड इफ यू डू प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून विद अनदर ब्लॉग, बाय।